हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जी फाइनली आज बच्चे जा रहे हैं अपने घर और हम जा रहे हैं उनको छोड़ने। फाइनली मन कर रहा है जाने का? कर रहा है अपने घर जाने का आदि? मन कर रहा है जाने का है? नहीं कर रहा? तुम्हारा मन कर रहा है जाने का? कितनी हो गया? नहीं, एक हफ्ते और रुक जाओ। चलो जी, अभी फिलहाल लिए हैं हमने कचौड़ी, पहले ये खा लेते हैं। ये सारा एयरपोर्ट ही है, वहाँ से शुरू हो, जहाँ से ये वाली लाइन शुरू हुई है ना, ये सारा एयरपोर्ट ही है वहाँ से। वहाँ ये जहाज, ये ना कोई एरोप्लेन देख रहे, कोई जहाज देख जाए, ऐसे लोग खड़े रहे हैं देखने के लिए। देख ले लो प्लेन। ये एरोप्लेन देखने के लिए खड़े और बहन इस पेड़ पे लटके रहे हैं कहीं तो। ऐसे ही खड़े रहे। इस टाइम कोई है नहीं, मतलब शाम के टाइम ज्यादा निकलते हैं। क्रेज होता है ना भाई, क्रेज होता है। जो लोग नहीं बैठ सकते वो देख के खुश हो जाते हैं। और क्या क्रेज होता है भाई। अब याचिका तो बैठ गई, अभी हम भी बैठे, ये भी बैठ गए। अभी तो एक भी एरोप्लेन नहीं दिखा इस टाइम। नहीं, शाम को दिखते हैं ज्यादा। तो शाम ही हो रही 5 बजे, मतलब तो खड़ा कर दिया ना ये, इसलिए नहीं दिख रहा। अच्छा, ये पहले नहीं लगी हुई थी ना ये? हाँ, तभी नहीं दिख रहे हैं। तो अब इनको इनको मतलब इसमें भी दिक्कत ही कोई, ये क्यों खड़ा कर दी? नहीं ले रही हमारे प्लेन, हम देख रहे हैं जी, हमारी देख क्यों रहे हैं? और ये भी कोई बात है, देखने का भी टैक्स है ना, तुम बिठाने का तो रखो ही रखो, अब देखने का भी टैक्स है भाई। ये तो गलत बात है भाई। जो लोग भाई अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपना देख के अपना मन बहला लेते हैं। अब इस चीज में भी इन लोगों को दिक्कत है। देखिए सारा पूरा बंद कर दिया, खिलौने बने तो है, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है। खिलौने बने, खिलौने है ना भाई, तो कह रही। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बच्चों को ये दिखा रही थी, छोटा कुतुब मीनार। ये मतलब एक ऐसी बना हुआ है, कुतुब मीनार टाइप ही बना हुआ है। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि आप वहाँ मत जाना, यहाँ आ जाना, ये पास में पड़ता है। और अभी गाड़ी में ना सॉन्ग वगैरह चालू कर दिए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आवाज म्यूट कर दी है। आज इतनी रोटी खा लेगा, इतनी रोटी खा लेगा, सब तेरी। क्या बात है। एक और, एक और, एक और भाई जोगिंदर, नहीं योगा जोगिंदर, आज इतनी साइकिल कर लेगा, इतनी साइकिल कर लेगा, किसने सचिनाएगी भाई। ये बोलना अब एक्टर ही बनेगा बड़ा, यो जोगिंदर हीरो बनेगा, हीरो नहीं। ये मंगो, ये बोल यो जोगिंदर, सारा भाई जोगिंदर आज इतने चिप्स खा लेगा चाय में डुबो डुबो के, इतने चिप्स खा लेगा चाय में डुबो डुबो के, किसी ने सोची ना होगी। अच्छा जी, हमने तो सोच ली, हमने तो सोच ली, हम तो खा ही लेंगे। मयंक ने तो सोच ली, सोच ली। मयंक घर जाके याद करेगा बड़ी मम्मा को? कौन सी वाली बात याद करेगा? तो मैं सोचूंगा, बहुत याद करो। दूसरी वाली बता, एक और बता। यही खिला देती हूँ बहुत सारा। मैंने तो खिलाया भी नहीं एक भी दिन खाना। मैंने खाना नहीं खिलाया ना? किसने खिलाया? अम्मा ने। मैं एक रोटी खाता हूँ और मम्मी दूसरी रोटी चेन खिलाती है। देख ले, तब भी तो पौआ सा है, छोटा सा है, बड़ा नहीं हो रहा ना। अच्छा वो वाली बात बता ना, वो दूध में कितना मतलब कितनी ताकत है दूध के अंदर? दूध के अंदर नहीं, अरे उसके अंदर, चाय पत्ती के अंदर। मतलब दूध को भी काला कर देता है, कौन सी है इतनी पावर है जी दूध चाय पत्ती के अंदर? कितनी पावर है कि दूध को भी काला कर देता है? तो मयंक क्या चीज है इंडिया, तो मयंक काला है और क्या गई इंडिया साल अंडर चाय पी के हो गया गई। वैसे तो बहुत गोरा था मयंक, बेंटली ऐसा नहीं है, बहुत गोरा था क्या? लेकिन चाय पी के काला हो गया। कहां पीछे आ गया ग्रीन कलर? आज भैया दूध पीते तो या हाथ दे के यहां रोक ले। चल फिर याचिका वहां तो छोड़ के आऊं, यहाँ मिलेगी नहीं ना, दिक्कत हो जाएगी फिर। जाएगी है नहीं मिलेगी, और यहाँ फिर कोई है भी नहीं साथ में खड़ा होने के लिए।
ले आ जाएगी इतने तक। रेत की भुनी हुई स्पेशल छल्ली मसालेदार ले ले भैया। मीठी हुई तो नहीं लेंगे? मीठी वाली देना। मीठी हुई तो नहीं लेंगे? मीठी नहीं हुई तो रोक ले। मसाला वाली मसाला ही लग रहा है, कम लगवाया है। 30 रुपए की तीनों को खवा देना। हाथ कपड़े सब गंदे हो जाएंगे है? हाथ कपड़े सब गंदे हो जाएंगे, ये देख लियो। अब मुझे थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने याचिका को बस में बैठा दिया था। आधे रास्ते हम छोड़ने आए थे, आधे रास्ता याचिका अपने आप चली गई थी बस से। और अभी हम निशा को भी यहीं ऑटो में बिठा देंगे और फिर हम अपने घर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है निशा का घर भी, तो वो ऑटो लेके चली जाएगी। क्योंकि फिर हमको भी लेट हो रहा था, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, शाम हो गई थी एकदम। चलो बाय बेटा है, बाय। पापा से नमस्ते कहना अपने, ठीक है? ठीक है। फोन दादी से भी बाय, दादी से दादू से सबसे नमस्ते बोलना, ठीक है? बाय बेटा, फोन कर देना पहुंच के। तो फ्रेंड्स निशा और याचिका दोनों निकल गए हैं अपने अपने रास्ते और हम निकल गए हैं अपने रास्ते दिल्ली की तरफ। दोनों को हमने छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं घर। और यहाँ पर हम रुके हैं सीएनजी डलाने के लिए गाड़ी में, तो काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी देर बाद हमारा नंबर आया था और यहाँ टाइम काफ़ी लग रहा था। कुछ पेटीएम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और पूरा रूम खाली खाली लग रहा है। अजीब सा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद मतलब मन लग रहा था बच्चों से, अभी खाली खाली रूम लग रहा है बिल्कुल। यू भी बाहर ही है, वो भी रूम तो आया ही नहीं है, रूम के अंदर बाहर ही रुक गया है। तो चलो जी, इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।